राजमाता विजया राजे सिंधिया स्मृति अंतर्राज्यीय इंटरसिटी कप फुटबॉल प्रतियोगिता पोलो ग्राउंड में आज से प्रारंभ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजमाता विजया राजे सिंधिया स्मृति अंतर्राज्यीय इंटरसिटी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जय हिंद फुटबॉल समिति के सचिव मुकेश वशिष्ठ ने बताया कि दिनांक 11 जनवरी से 14 जनवरी तक प्रतियोगिता का आयोजन पोलो ग्राउंड पर किया जा रहा है। बता दें कि जय हिंद फुटबॉल समिति के अध्यक्ष हरिप्रकाश दुबे संचालक इंटरसिटी ट्रेवल्स हैं। देखिए क्या कहा जय हिंद फुटबॉल समिति के सचिव मुकेश वशिष्ठ ने। आज मुकेश जी, एक कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं फुटबॉल टूर्नामेंट, किस आयोजन का क्या प्रायोरिटी है और क्यों ये आयोजन बार बार आपके द्वारा बार बार कराया जाता है साल दर साल? जी, हमारा क्या है, राजमाता सिंधिया स्मृति जो हम प्रतियोगिता कराते हैं, तो हमारे इंटरसिटी वाले हरि दुबे जी वो हमको ये मार्गदर्शक है हमारे, हमेशा कहते हैं कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, एक खेल चलता रहना चाहिए शिवपुरी में, और हमारे क्लब को उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड कराया गया, हिंद फुटबॉल समिति उनके द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई थी आज से 25-30 साल पहले। तब से लगातार आप ये कार्यक्रम कराते आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम कुछ ना किसी रूप में होता है। कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? ये 10-11 टीम आई है हमारे पास। इसका आज उद्घाटन समारोह था, किसने उद्घाटन किया है? ये हमारी दीदी गायत्री शर्मा जी नगर पालिका अध्यक्ष ने उद्घाटन किया इसका, और आगे अपने यही लोग। इसका समापन कब है? 14 तारीख को इसका समापन किया जाएगा सर, 14 जनवरी को फाइनल मैच के साथ। जी, डेली कितने मैच होंगे? डेली दो मैच होंगे, दो और तीन मैच तक हो सकते हैं इसमें।